In a triangle ABC, in a triangle ABC, in a triangle ABC, angle A greater than B, and sin A and sin B, sin A and sin B satisfy the equation 3 sin x minus 4 sin cube x minus k equal to 0, where k is greater than 0 and less than 1. Where k is greater than 0, less than 1. Where k is greater than 0, less than 1, then find angle C. Ek minute hai aapke paas, dhang se dekhiye aur samajhiye problem. Main discuss karunga aaj. देखिए इसमें क्या है यार, मुझे लगता है साइन 3x का रिजल्ट सभी को याद ही होता है. तो ये क्या लिखा है, साइन 3x कितना होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x. तो इसका रूट क्या है, साइन a, मतलब साइन a से सेटिस्फाई कर रहा है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं. साइन a से सेटिस्फाई कर रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, a से सेटिस्फाई कर रहा है ऐसा होना चाहिए. साइन ए से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए. बात समझ में आ रही है कि प्रॉब्लम में क्या होना चाहिए, ए सेटिस्फाई कर रहा है इसे. ए सेटिस्फाई करेगा तो क्यूबिक जो बनेगी उसका रूट क्या होगा, साइन ए. बात समझ में आ रही है कि नहीं. तो ये कितना आ जाएगा, साइन थ्री आ जाएगा. इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी भी सेटिस्फाई कर रहा है तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थ्री बी. ये समझ आया कि नहीं है? अब ए और बी इक्वल तो है नहीं, बहुत ढंग से सोचना. जैसे साइन थ्री इक्वल टू साइन थ्री भी आ गया, ए और बी एंगल है, लेकिन ए और बी इक्वल तो है नहीं. तो इसका मतलब क्या आएगा, थ्री ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, मतलब अगर ये अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा, ए ज्यादा है, कौन ज्यादा है, हां. तो ये कितना आएगा, पाई माइनस थ्री बी. बात समझ में आएगी नहीं, इसमें कोई डाउट, ये समझ आया. तो इसका मतलब क्या आ गया, ए प्लस बी कितना आ गया, खत्म हो गया यार, क्या दिक्कत है. ए प्लस बी कितना आ गया, पाई बाई थ्री. कुछ गड़बड़ लग रहा है यार मेरे को, पता नहीं कैसे है. तो सी कितना आ जाएगा, पाई माइनस ए प्लस बी. इसका मतलब क्या हुआ, इट इज 2 पाई बाई थ्री. तो ए कितना होगा, कुछ होगा, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा ही है ना. नोट करिए, इफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, इफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी, आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एंड 2s डिनोट्स द सेमी पेरीमीटर. नहीं सर, 2s तो, एंड 2s डिनोट्स द पेरीमीटर.
देन प्रूव दैट सिग्मा अल्फा पावर माइनस वन इज इक्वल टू एस अपॉन डेल्टा. ऑब्जेक्टिव होगा तो क्रॉस चेक से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं. अभी तो ढंग से करना है आपको. इसका मतलब क्या हुआ, वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा प्लस वन अपॉन गामा इक्वल टू एस अपॉन डेल्टा. लीजिए अटेम्प्ट लीजिए. आ गया, थोड़ा बहुत चलने लगा था दिमाग. देखो यार कैसे किया था. ओके, डेल्टा से चले गए, यही स्ट्राइक करना इंपॉर्टेंट था. ये एल्टीट्यूड है तो ये अल्फा है, तो अल्फा इंटू ए बाई टू क्या होगा, डेल्टा. तो डेल्टा अल्फा की वैल्यू क्या होगी, वन बाई अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बाई टू डेल्टा. सिग्मा लगाएंगे तो इधर भी सिग्मा लग जाएगा, तो कितना आ गया, ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू अपॉन डेल्टा मीन्स एस अपॉन डेल्टा. मतलब आपने ये डायरेक्टली स्ट्राइक कर गया, कोई टेंशन है नहीं, ऐसे ही करना चाहिए. समझ गए कि नहीं, देख लो यार आ गया. नेक्स्ट लिखे, इफ एक्स रेडियाई, इफ एक्स रेडियाई ऑफ ट्रायंगल आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इफ एक्स रेडियाई ऑफ अ ट्राइंगल आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन देन प्रूव दैट साइड्स आर इन एपी, देन प्रूव दैट साइड्स आर इन एपी. अटेम्प्ट लीजिए. मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स ही होंगी, ऐसा नहीं है कोई भी साइड्स. एक्सरे डी होता क्या था यार, एक इंटरनल और दो एक्सटर्नल का इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स सेंटर होता है और रेडियाई एक्स रेडियाई. एक्स रेडियाई क्या होती है, आर वन आती है, आर टू आती है और आर थ्री आती है. हर साइड से डिस्टेंस सेम होती है. किसके टर्म्स में लिख रहे हो, आर वन का रिजल्ट क्या था, डेल्टा अपॉन, डेल्टा अपॉन में लिख रहे हो क्या, और दूसरा क्या था, एस टेन ए बाई टू से फायदा नहीं होगा क्या, डेल्टा से कर लेते हैं, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए होगा, ये डेल्टा अपॉन एस माइनस बी होगा और ये डेल्टा अपॉन एस माइनस सी होगा. तो ये कायम है एचपी में, तो वन अपॉन इनका क्या होगा, एपी में होगा. इसका मतलब क्या आ जाएगा, टू अपॉन टू एस माइनस बी अपॉन डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा, अरे हो तो गया शायद, ये है, ये कितना आ जाएगा, एस माइनस ए अपॉन डेल्टा प्लस एस माइनस बी अपॉन डेल्टा. ए बाई टू वाले से हो जाता, यहां से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा नॉन जीरो है तो कितना आ रहा है, ये एस माइनस बी का मतलब क्या होगा, क्या, अच्छा यहां सी होगा ना, ओके अब तो हो जाएगा मुझे लग रहा है. ये कितना आ जाएगा, एस एस उड़ा दें, उड़ा दें, क्या दिक्कत है, टू एस दोनों तरफ से उड़ा दें तो टू बी इक्वल टू क्या आ गया, माइनस टू बी इक्वल टू माइनस ए माइनस सी,
तो कांस्टेंट हम ऐड होने पे एपी में ही आते हैं, तो टू बी इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस सी मीन्स एबीसी आर इन एपी, या फिर वैसे ही उड़ रहे हैं, उड़ाने की जरूरत नहीं है, ऐड करने में टेंशन आती है, अगर ये एपी में है तो एस होने के बाद भी एपी में आएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं, ये समझ आया कि नहीं, उल्टा भी सही होगा, एफ एबीसी आर इन एपी देन एक्स रेडियाई आर इन एचपी, ध्यान भी रख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं, एक एफ एबीसी आर इन एपी, ये मैं एक साथ ही नोट करा दूंगा, बहुत सारे होते हैं तो एट अ स्ट्रेस ध्यान रख सकते हैं, और प्रूफ भी फास्ट कर लेना, छोड़ो अभी मत लिखो, नेक्स्ट लिखो प्रॉब्लम। दमदार व्यवस्थाएं बची नहीं है अब, इन अ ट्राइंगल इफ ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू 4:5:6, मतलब साइड्स का रेशियो दिया है, देन फाइंड सर्कम रेडियस अपॉन इन रेडियस, देन फाइंड सर्कम रेडियस अपॉन इन रेडियस, दोनों को किससे अप्रोच करने की सोच रहे हैं, डेल्टा से, हाँ डेल्टा से ही अप्रोच करो, ज्यादा बेटर रहेगा, मैं भी करता हूं, बताने आ रहा कैसे, कैपिटल आर क्या था, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, और आर क्या है, डेल्टा अपॉन एस, तो एक काम करते हैं, ए को क्या लिख दो, 4λ × 5λ × 6λ, ठीक है कि नहीं, और एस को क्या लिख सकते हैं, 4λ + 5λ + 6λ / 2, 4 × 2, अब डेल्टा स्क्वायर आया, डेल्टा स्क्वायर में कौन सा बेटर रहेगा, हीरोज फॉर्मूला है, तो एस बाद में लिख देंगे, s − a, s − b और s − c, अब मेरे संग टेंशन क्या है चेक कर लेता हूं एक बार, ये फिक्स ही आएगा, कांस्टेंट आएगा, क्योंकि लैम्डा कितने आ रहे हैं, 1λ, 2λ, 3λ और 4λ यहां से आ गए, और यहां से भी कितने लैम्डा आएंगे, 1, 2, 3, 4, देखो कितना आ रहा आंसर, फोर इंटू 5 × 6 × इनका सम कितना है, 9 और 15 है? सही है ना, अपॉन 8, एस की वैल्यू आएगी हमारे पास 4 + 5 + 6 अपॉन 2, s − a की वैल्यू आएगी 4 + ये वैल्यू कितनी आ रही है, यही देख लो ना, वैल्यू कितनी है, 10 15 / 2 15 / 2 − 4 15 / 2 − 5 and 15 / 2 − 6, आंसर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 64/7, तो ऑप्शन में नहीं है यार, वन 6/7 आना चाहिए, हाँ इट इज द करेक्ट आंसर, कर सकते हैं आप लोग, देख लीजिए, समझ आ गए नहीं,
है, नेक्स्ट लिखिए, आ गया क्या? फिफ्थ है ना ये, नेक्स्ट लिखो, बहुत आसान है ये सब, अब क्या बचा है इसमें? ये शायद, चलो दोबारा हो जाएगा, लिखो यार, इन अ ट्रायंगल इफ सी कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस ए कॉस स्क्वायर सी बाई टू इक्वल टू थ्री बी बाई टू देन प्रूव दैट एबीसी आर इन एपी। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन बताया है शायद मैंने, शायद एक ही स्टेप का है यार, टाइम क्यों लगा रहे हो? हो गया, क्या करना है? टू टू कर दो, सी बाई टू आ जाएगा और टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू कितना होगा, वो क्यों लगा रहे हो यार? टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू कितना आएगा, और कितना आएगा, वन प्लस कॉस ए, कॉस ए, अरे टू बाई टू कर दिया ना, ए बाई टू ये कितना आ जाएगा, खत्म हो गया प्रॉब्लम यार, वन प्लस कॉस सी, थ्री बी बाई टू आ गया, समझ आ रहा है कैसे खत्म हुआ? सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी कितना हो जाएगा, बी, तो कितना आ गया, ए बाई टू बचा, सी बाई टू बचा और सी कॉस ए प्लस प्लस बी बाई टू बचा, हो गया कि नहीं, थ्री बी बाई टू, तो ए प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया, टू बी। दूसरे भी तरीके हो सकते हैं लेकिन ये आसान है मुझे लग रहा है। ठीक है, डिटरमिनेंट का थोड़ा सा तो आइडिया होगा ही ना, एक्सपेंड है, हाफ एंगल सबसे हो जाएगा यार, बहुत सारे तरीके होते हैं। नेक्स्ट लिखिए, इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी साइन क्यूब ए, डिटरमिनेंट की एक्सपेंशन तो मालूम ही है ना क्या होता है, ये बताओ डिटरमिनेंट की एक्सपेंशन क्या होता है, एबीसी है ये किसके इक्वल आता है, बहुत स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है, बीसीए एंड सीएबी, ये डिटरमिनेंट किसके इक्वलेंट आता है, एक्सपेंड करना किसके बराबर आता है, है? खोल दो प्रॉब्लम, बाद में लिखने पहले इसे नोट कर लो, कैसे ओपन करते हैं इसे, ए, फिर इन दोनों को दबा देंगे तो ये कितना आएगा, बीसी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, इन दोनों को दबा देंगे तो कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी और प्लस सी ए बी माइनस सी स्क्वायर। तो मुझे ये लग रहा है ये बहुत माइनस ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी आ रहा है, सही है क्या है? ये याद भी रखना, ये डिटरमिनेंट इंपॉर्टेंट है, इलेवंथ इसको तो डिटरमिनेंट होता नहीं है, याद ही करना पड़ेगा, बात समझ में आ गई कि नहीं?
है, कितना आएगा ये, माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी। और इसका एक्सपेंशन याद ही है आप लोगों को कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। समझ गए ना, अब लिखो प्रॉब्लम। ये डिटर्मिनेंट है वो इसके इक्वल होता है, ये ध्यान रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट लिखिए प्रॉब्लम लिखिए। अब इन अ ट्राइंगल एबीसी, इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ साइन क्यूब ए, साइन क्यूब ए प्लस साइन क्यूब बी प्लस साइन क्यूब सी इज इक्वल टू थ्री साइन ए साइन बी साइन सी। बेसिकली डिटर्मिनेंट की प्रॉब्लम है, थ्री साइन ए साइन बी साइन सी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए बी सी सी नहीं बी सी ए एंड सी ए बी। बहुत आसान है, ये किसके बराबर आया था अभी, माइनस ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी। तो इस ऊपर वाले रिलेशन की हेल्प से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये डिटरमिनेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही है, साइक्लिक डिटरमिनेंट है और ये याद भी करना चाहिए हमें। मतलब यार एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है कि हर बार एक्सपेंड कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट ही है थोड़ा सा। ए बी सी बी ए सी ए एंड सी ए बी याद कर लेना, इसे ध्यान रखना। ठीक है ना,